नमस्कार, आप देख रहे हैं YRY18 लाइव। यह फिल्म सात हिंदुस्तानी है और यह सदी के नायक अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी। यह फिल्म 1969 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 50 साल हो गए हैं और इसी के साथ अमिताभ बच्चन को भी फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल हो गए हैं। आज हम अमिताभ बच्चन की इसी पहली फिल्म के किस्से कहानी के साथ आए हैं। इस फिल्म में सात प्रमुख कलाकार थे जिनमें से एक अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ बच्चन को यह फिल्म मिलने की कहानी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन वह हम आपको बाद में सुनाएंगे। पहले जानिए आखिर यह फिल्म क्या है। सात हिंदुस्तानी के निर्माता, निर्देशक और लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास थे। वे फिल्मी दुनिया के उस वक्त के जाने माने नाम रहे हैं। यह फिल्म गोवा को पुर्तगाली शासन से आजाद कराने की कहानी पर बनाई गई है। इस लड़ाई को लड़ते हैं सात फौजी। ये सभी देश के अलग अलग हिस्सों से और अलग अलग धर्मों से होते हैं। इस फिल्म की सबसे कमाल की बात यह थी कि इन सात कलाकारों को जो रोल दिया गया था वह उनके प्रदेश और धर्म के विपरीत दिया गया था। जैसे अमिताभ बच्चन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वे फिल्म में बिहार से एक मुस्लिम शायर अनवर अली अनवर की भूमिका में है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को हिंदी तक नहीं आती है। उसी प्रकार बंगाल के प्रसिद्ध अभिनेता उत्पल दत्त को एक पंजाबी जोगिंदर नाथ, मलयालम के मशहूर अभिनेता मधु को बंगाली सुबोध सान्याल, इरशाद अली को दक्षिण भारतीय माधवन, जलाल आगा को महाराष्ट्रियन सखाराम सिंधे, मशहूर हास्य अभिनेता महमूद के भाई अनवर अली को हिंदू राम भगत शर्मा और अभिनेत्री सहनाज को ईसाई मारिया की भूमिका दी गई थी। सात हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिला था, लेकिन यह फिल्म बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई थी। यह फिल्म आज भी याद की जाती है तो बस इसलिए कि यह सदी के नायक अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म है। अगर यह अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म न होती तो हो सकता है कभी याद भी नहीं की जाती। अब बात करते हैं यह फिल्म अमिताभ बच्चन को कैसे मिली। यह तो सभी को पता है कि अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन और पिता हरिवंश राय बच्चन नहीं चाहते थे कि अमिताभ बच्चन फिल्मों में काम करें। अमिताभ ने अपनी स्कूली शिक्षा नैनीताल के सेडवुड कॉलेज में पूरी की है। वे वहां पर भी नाटक में भाग लेते रहते थे। अमिताभ के भाई अजिताभ जानते थे कि अमिताभ फिल्मों में काम करना चाहते हैं। वो इसके समर्थन में भी थे। अजिताभ ने अपने एक दोस्त के माध्यम से अमिताभ की एक फोटो ख्वाजा अहमद अब्बास को भेजी थी। अब्बास ने अमिताभ को बुलावा भेज दिया। अमिताभ बच्चन जब मुंबई में अब्बास के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह लड़का डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का बेटा है। अब्बास ने तार भेजकर हरिवंश राय से पूछा था कि क्या वे अमिताभ को फिल्मों में भेजना चाहते हैं। इस तार के जवाब में हरिवंश जी ने तार से जवाब भेजा था कि अमिताभ में कुछ योग्यता है तो हमारी सहमति है, लेकिन लगता है ऐसी कोई योग्यता नहीं है तो उसे समझा कर वापस भेज दो। अमिताभ बच्चन को सात हिंदुस्तानी में अभिनय के लिए 5,000 रुपये मिले थे। तो दोस्तों, यह थी अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी की कहानी। आप बने रहें YRY18 लाइव के साथ। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।